वाराणसी के प्रधान डाकघर में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां कैंट के नदेसर में मौजूद प्रधान डाकघर में खाता धारकों के पैसे में बड़ी धांधली हुई है। अपनी गाढ़ी कमाई खोने के बाद गुस्साए खाता धारकों ने डाकघर परिसर में जमकर हंगामा किया, तो वहीं डाकघर के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। आक्रोशित खाता धारकों ने बताया कि 25,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक की धांधली हुई है। सभी ने अपनी जरूरत के लिए डाकघर में RD सेविंग MIS के रूप में पैसा जमा किया था, लेकिन अब अपने खाते में पैसा नहीं मिलने से सभी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इधर डाकघर में फर्जीवाड़े को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। RD में पैसा यहाँ जमा होता था, काउंटर से जमा किया गया, तो मार्च से ही पैसा उसमें कंप्यूटर में नहीं चढ़ा है, लेकिन पासबुक में मैनुअल चढ़ा हुआ है मोवर के साथ। जब यहाँ प्रिंट कराया गया तो उसमें 3 महीने के पैसे नहीं। मेरे अलावा बहुतों का है जो 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक तो मेरे सामने है, जो पिछले मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। और यहाँ एजेंट के साथ साथ कर्मचारी और अधिकारियों की मिली भगत है। ये एक रैकेट चल रहा है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, बनारस में, और यहाँ पे, या पूरे बनारस की बात करें, और ये जो मामला आपको दिख रहा है, ये अभी छोटे आपको बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। विशाल जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, PM के संसदीय इलाके में छोटी छोटी सेविंग करने वाले लोगों को डाकघर से चपत लग जाएगी, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। पूरा मामला है वाराणसी कैंट के नदेसर में मौजूद है ये प्रधान डाकघर, और यहाँ पर खाता, जो जितने भी खाताधारक हैं इनके अकाउंट से ये पैसा गायब हुआ है। और जिस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं लोग, उनका कहना है कि 3 दिन से लगातार तमाम वैसे खाताधारक वहाँ पहुँचे हैं जिनके अकाउंट से पैसा गायब है, और अपने जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो इस भरोसे पर थे कि डाकखाने में उनकी जमा पूंजी सुरक्षित होगी, लेकिन उनके अकाउंट से पैसा गायब है। और जिसके बाद फिलहाल डाकघर के जो आला अधिकारी हैं वो इस पर खामोशी रखे हुए हैं, कोई भी एक आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी मिली भगत जो है वो निकल के आई है, और जिस तरह से खाता धारकों के अकाउंट से, किसी के अकाउंट से 10,000 तो किसी के अकाउंट से 25 लाख रुपए गायब है, ये अपने आप में एक बड़ा सिंडिकेट जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी तरह हो सकता है कि एक बड़ा सिंडिकेट इस तरह से काम करता हो। और जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि बैंक अकाउंट में जैसे पैसा निकलता है, उसी तरह ऐसा तो नहीं कि डाक खाने में भी जो तमाम जो साइबर जो फ्रॉड है या तमाम जो एक जो पूरा सिंडिकेट है वो अपना जो है पूरा एक गिरोह जो है संचालित कर रहा है, इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशाल, आप बने रहे मेरे साथ। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आवेदन लेकर और पासबुक की किताबें लेकर खड़े हुए हैं लोग और शिकायत कर रहे हैं कि उनके खाते से पैसा निकल गया। विशाल, आपसे सवाल ये है कि अब तक जो इस तरह के मामले सामने आते थे वो बैंकों से रिलेटेड आते थे कि ATM क्लोन कर लिया गया, हैक कर लिया गया, अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, लेकिन डाकघर अभी अभी तो CBS हुए हैं, यानी कि अभी अभी तो वो कंप्यूटराइज्ड हुए हैं, वरना बाकी सारी चीजें मैनुअली चल रही थी, फिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई कैसे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार साइबर फ्रॉड इस कदर आगे हो गया है कि अभी तक बैंक अकाउंट जो होते थे उन पर ही साइबर अटैक होता था, जो तमाम जो साइबर फ्रॉड थे वो वहां पर उनकी फॉर्जरी करके अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे, बैंक ATM से क्लोन करके पैसा निकालते थे, लेकिन इस तरह से जो खाताधारक जो डाकघर में है उनके अकाउंट से पैसा निकालना, ये एक पहला बड़ा मामला देखने को मिला जिसमें तमाम जो अकाउंट धारक हैं जिनके अकाउंट में 10,000 थे, किसी में 25 लाख रुपए थे, उन सबके अकाउंट से पैसा निकाला जाना, ये बड़ा मामला है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जिस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहा है और साइबर क्राइम की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें इसको जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि जो अकाउंट के तौर पर आधार कार्ड से जोड़े गए हैं, डिटेल्स हैं, और कहीं ना कहीं से जो अकाउंट की जो डिटेल है वो शायद हो सकता है कि लीक की गई है, तमाम जो जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो डाकघर में होती हैं उनको लीक किया गया है, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी रकम निकाल ली गई है। बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। विशाल जी मीडिया संवाददाता वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स भी लोग करते हैं, चिट्ठियां भेजने के अलावा, कुरियर भेजने के अलावा पोस्ट ऑफिस में कई तरह की स्कीम चलती हैं, जैसे कि MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इसमें एक मुश्त राशि आप
पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, फर्ज कीजिए 1 लाख रुपए, और फिर हर महीने उसमें पोस्ट ऑफिस आपको उसका ब्याज देता है हर महीने, मंथली इनकम स्कीम। इसके अलावा आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट नाम का एक सेविंग चलता है, जिसमें आप एक मुश्त रकम हर महीने जमा कराते हैं 5 सालों के लिए, या फिर उससे आगे भी आप उसे बढ़ा सकते हैं। एफडीज लोगों ने कराई हुई हैं, फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा कुछ और जैसे किसान पत्र हैं या कन्याओं के नाम पर योजनाओं पर हैं, इन सब में लोग अपने पैसे जमा कराते हैं और लोग इसे बहुत सेफ मानते हैं। और उसकी वजह यह है क्योंकि अभी तक सीबीएस नहीं थे, यानी कि सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं था, कुछ दिनों पहले ही सीबीएस हुए हैं, और उससे पहले तक चीजें पोस्ट ऑफिस में बड़ी महफूज लोग मानते थे। लेकिन अब ये फ्रॉड अगर पोस्ट ऑफिस में भी अगर निकल कर सामने आने लगा है तो लोग फिर भरोसा मुश्किल से कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इसमें खास बात ये भी है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में दी जाने वाली एफडी या आरडी की अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें जो आपको बदले में दिया जाता है, तो आज भी वो ज्यादातर बैंकों से बेहतर है। और वो इसी वजह से है कि पोस्ट ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए, वहां लोगों को स्कीम्स में बढ़ावा देने के लिए उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक रहता है। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद से तो लोग अभी हैरान हैं, परेशान हैं।